हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले ओसी के चैप्टर नंबर 3 की, जहां पर आज हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर ऐसी कौन कौन सी खासियत होनी चाहिए जिस वजह से वो अपने बिजनेस को सर्वाइवल लेवल से लेके एक सक्सेसफुल लेवल तक लेके जा सके। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, और प्लीज मेक श्योर कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको किसी भी तरीके की दिक्कतें नहीं हो। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको उसमें सारे लेक्चर की अपडेट मिलती रहे। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की। अब हमारे एंटरप्रेन्योर के अंदर या एक एंटरप्रेन्योर के अंदर कौन कौन सी खासियतें होनी चाहिए। सबसे पहली खासियत है इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज, मतलब उसके पास एक सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, एक क्रिएटिविटी होनी चाहिए कि भाई मेरा बिजनेस या मेरा प्रोडक्ट या मेरी सर्विसेज दूसरे वाली सर्विसेज से किस तरीके से बेटर हो सकती है, लोगों को किस तरीके से मैं बता सकता हूँ। तो उस तरीके की जो क्रिएटिव थिंकिंग होती है उस एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, उसके अंदर इंटेलिजेंस अच्छा होना चाहिए, उसके साथ साथ बिजनेस की सिचुएशन को देख रेख करके अपने डिसीजन को लेना चाहिए। तो उसके अंदर इतनी सोच समझ होनी चाहिए कि वो किस सिचुएशन में डील करने वाला है और सिचुएशन के अकॉर्डिंग में वो अपने एक्शन को क्या करने वाला है, प्लान करेगा। तो इट विल बी बेटर फॉर हिम टू परफॉर्म एज पर द विलिंगनेस और एज पर द सिचुएशन बेस्ड। नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट, दैट इज फ्यूचर विजन। हमारा जो भी एंटरप्रेन्योर होगा वो फ्यूचरिस्टिक होना चाहिए, फ्यूचर के बारे में सोच के होना चाहिए कि मार्केट आने वाले समय में किस तरीके का हो सकता है। ठीक है, उस सिचुएशन को जानने के बाद, पहचानने के बाद, अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके एक्सटर्नल फैक्टर्स को नजर में रखते हुए वो डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि उसका एक प्रॉपर डिसीजन मार्केट स्ट्रक्चर में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, उसका एक डिसीजन उस सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। और ये एक्शन का, ये जो डिसीजन होगा वो टाइम पर आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं हार्डवर्क। एक इंसान के अंदर और एक एंटरप्रेन्योर दोनों के अंदर हार्डवर्क नाम की चीज होनी ही चाहिए। बिना हार्डवर्क के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उस विधाता ने हमें 24 आवर्स का एक टाइम दिया, 24 घंटे का समय दिया है, जिसमें से हमें कम से कम मिनिमम 16 घंटे काम करना है ताकि हम अपने जिंदगी में कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर सके। तो उस मेहनत, उस लगन के साथ साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो जो एंटरप्रेन्योर होता है उसे पता होता है कि भाई मुझे हार्डवर्क करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस मेरा है, बिजनेस पे इनपुट मुझे ही देना पड़ेगा, और मैं लंबे समय तक काम करता हूँ, मैं बिजनेस के मोस्ट ऑफ द एरिया को हैंडल करने की कोशिश करता हूँ, या मैं इंडिपेंडेंट तरीके से इन्वॉल्व लेता हूँ, तो मुझे मेरा एफर्ट का रिवॉर्ड जल्द ही मिलने वाला है और वो जल्द से जल्द सक्सेसफुल होने की कोशिश जरूर करता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे टेक्निकल नॉलेज। भाई साहब, आपके बिजनेस के अंदर आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप कोई भी व्यापार में कदम रखते हो और उस व्यापार का आपको नॉलेज ही नहीं है, तो ऑब्वियसली कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खेरा, कोई भी टॉम डिक एंड हैरी आकर आपको बेवकूफ बना सकता है। लेकिन अगर आपको उस बिजनेस का टेक्निकल नॉलेज है, आप उसके बिजनेस के एनवायरमेंट से रूबरू हो, तो ऑब्वियसली आपको कोई भी ठग नहीं सकता। आपको उस चीज का प्रॉपर नॉलेज है, और उस प्रोडक्ट के बारे में जब आपको कोई लेटेस्ट न्यूज मिलती है या लेटेस्ट इनोवेशन होता है, तो उसके बारे में भी आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि प्रोडक्ट, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी तीनों ही टाइम टू टाइम क्या होते हैं, अपडेट होते रहते हैं, और आपको उस चीज का प्रॉपर नॉलेज होना जरूरी है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स। भाई साहब, एंटरप्रेन्योर यानी एक बिजनेसमैन जो होगा उसे कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के अंदर अकेले बात नहीं करता है, वो कस्टमर्स के साथ डील करता है, वो सप्लायर के साथ डील करता है, वो क्रेडिटर्स के साथ डील करता है, वो बैंक के साथ, गवर्नमेंट के साथ, एम्प्लॉय के साथ, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट के लोगों के साथ वो डील करता है। तो उसे अपनी आइडियाज, अपनी स्ट्रैटेजीज को लोगों को बताने आना चाहिए, लोगों की प्रॉब्लम्स, लोगों के सजेशंस वो सुनने आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें करने के लिए, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए, उसकी बातों को समझने के लिए
अब उसके पास प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए, उसके पास पर्टिकुलर कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, क्योंकि एक सेंडर जो होता है, जो बात कर रहा है और जो बात सुन रहा है, दोनों के बीच में एक प्रॉपर मैसेज का पास ऑन होने के लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होनी जरूरी है। आप इंग्लिश में बात करते हो, हिंदी में बात करते हो, डजंट मैटर, बट आपके कहने के इसमें थॉट प्रोसेस में, क्योंकि जब आपके थॉट प्रोसेस में क्लैरिटी होती है तो आप अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पाते हो। नेक्स्ट पॉइंट, हाईली ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है पॉजिटिव सोचने वाला। आपदा में भी अवसर ढूंढने वाले को ही ऑप्टिमिस्टिक कहा जाएगा। किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए लेकिन उसकी पॉजिटिविटी पर ही काम करना एंटरप्रेन्योर का काम होता है। एक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो ये नहीं सोचेगा यार क्या हो गया मेरे बिजनेस में, क्या हो गया, मैं बिजनेस कैसे करूंगा, मेरा लॉकडाउन लग गया वगैरह वगैरह, ब्ला ब्ला ब्ला, अलग अलग एक्सक्यूजेस देगा, है वो एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो अपने मेहनत से बिजनेस को आगे लेके जाता है, जो अपने मेहनत से चार चांद लगा देता है। वो एक ऐसा इंसान होता है जो बहुत सारे एम्प्लॉयज के परिवारों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेता है, क्योंकि अगर एक एंटरप्रेन्योर देश के लिए नहीं होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से करेगा। तो एंटरप्रेन्योर प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और उसे हमेशा अपने अंदर कॉन्फिडेंस है कि भाई मुझे, मैं कर सकता हूँ, मेरे एम्प्लॉयज मेरे लिए कर सकते हैं क्योंकि मैं एम्प्लॉयज के लिए करना चाहता हूँ। तो हमेशा उम्मीद में रहना, होपफुल रहना, कॉन्फिडेंट रहना। मार्केट सिचुएशन अगर फेलियर की तरफ भी जाता है तो भी उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी, कुछ सीख लेकर हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बिजनेस करेगा तो ऑब्वियसली बिजनेस में हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट आने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी। एक बिजनेस चलाने के लिए आपका मकसद डिसाइडेड होना चाहिए कि प्रॉफिट कमाना है मुझे इस बिजनेस से। तो बिजनेस से अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा, तो आपके अंदर वो रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। आपको चैलेंजेस हर कदम पर नजर आने वाले हैं, हर दिन आपको कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस आएंगे, आपको उन चैलेंजेस को झेलना है, आपको उन चैलेंजेस को फेस करना है और नई नई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की कोशिश करनी है। अगर आप ग्रैब नहीं करोगे तो आपका कॉम्पिटिटर ग्रैब कर सकता है। सबसे अहम खासियत है सेल्फ कॉन्फिडेंस। किसी को भी, किसी भी पागल इंसान को सामने वाला पागल दिखता है। हर इंसान आपके अंदर कमियां ढूंढना चाहता है, तो कमियां ढूंढने का काम उन पर छोड़ दीजिए, आप अपनी खूबियों पर काम कीजिए। तो उसी तरीके से लोगों को लगेगा कि आपका बिजनेस एक अनसक्सेसफुल बिजनेस है, आपका आइडिया आउटडेटेड है, आपके आइडिया में कोई दम नहीं है। लोगों को सोचने दीजिए, क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। आपको अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, पॉजिटिव डिजायर है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखेगा। और जिंदगी में किसी के मोटिवेशन देने से कुछ नहीं होता, जिंदगी में अपने अंदर सेल्फ मोटिवेशन का होना जरूरी है। और एक एंटरप्रेन्योर हमेशा अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना चाहिए ताकि वो अपने बिजनेस को नए लेवल तक लेकर जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। ये फीचर्स ऑफ एंटरप्रेन्योर हमें जिंदगी की सबक भी देकर जाता है, ये सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं है, ये आने वाले टाइम में एक प्रैक्टिकल नॉलेज के तौर पर आपको एडॉप्ट भी करना है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत आती कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट आप ड्रॉप कर सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नए क्वेश्चन वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।